हमें वर्क पावर, वर्क वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले वर्क क्या होता है तो बता दूं भैया, वर्क आप किसी भी चीज पे अगर वर्क करते हो तो उस वर्क की वजह से उसके अंदर क्या आती है भैया, एनर्जी आती है। एक पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको उठा करके ऊपर ले आओ, छत पे रख दो, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गई? छोड़ोगे तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ गिरेगा। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं आएगी। यानी आपके वर्क की वजह से उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। एक स्प्रिंग है जो नॉर्मली ऐसे पड़ी हुई है, उसे किसी ने खींच नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही आप उसको खींचते हो, वर्क करते हो, तो उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी आती है। उसे स्प्रिंग एनर्जी कहते हैं या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। खैर आगे जानोगे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी नॉर्मली आप एनर्जी जान लो कि जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, छोड़ते हो उसी एनर्जी की वजह से क्या होता है, वो आपसे चली जाती है स्प्रिंग। यानी वर्क क्या एक्चुअल में किसी भी चीज को एनर्जी देने का एक मोड है। क्या है? तो वर्क क्या, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज द मोड ऑफ और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या भैया? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके का किसी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करने का एक क्या है, तरीका है, मोड है। ठीक है, अगर आप वर्क करोगे तो उस सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हो, फोर्स है ये, अप्लाइड फोर्स है ये। क्या है? अप्लाइड फोर्स है। और स्प्रिंग के अंदर इसके इतना क्या आ गया, एक्सटेंशन आ गया। क्या आ गया? तो भैया इसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी? और ये एनर्जी क्यों आई, क्योंकि आपने इसको खींचा था, वर्क किया था। क्या किया था? वर्क किया था। इस फोर्स ने क्या किया, वर्क किया, और उस वर्क की वजह से इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। आप एक पत्थर को उठाओ, पत्थर को आप ऊपर उठाते हो अप्लाइड फोर्स लगा करके। जब पत्थर को आप ऊपर उठाओगे हाइट पर, तो इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा उठाओगे, उतना ज्यादा वर्क करोगे, उतनी ही ज्यादा इसके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। अगर किसी चीज पे गिरेगा तो उसका सर बढ़िया से फाड़ेगा, समझ गए? तो इसीलिए ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ऊपर ले आने में वर्क भी क्या हुआ है, ज्यादा हुआ, उसके अंदर एनर्जी भी क्या आई है, ज्यादा आई है। यानी वर्क क्या, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है भैया, मोड है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, फिर आते भैया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कौन है, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स। कह रहा भैया क्या होता है भैया, प्रोडक्ट होता है अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स का। ठीक है भैया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क अप्लाइड फोर्स, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। ये भी एक फॉर्मूला आ गया। बात करूं इसकी तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, जूल क्या होगी, और न्यूटन मीटर, और केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ये सब क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, लिखिए मतलब ही कोई भी, सीजीएस छोटी यूनिट जो होती है वो होती है डायन, ओ सॉरी आरजी, ERG। और केजी की यहाँ पे क्या होगा, ग्राम, मीटर की यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एस की पावर -2। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए, वर्क की, तो डायमेंशन क्या होता है इसका, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2। कैसे लिखा,
तो केजी क्या है भैया, मास है। मीटर क्या है, मीटर का स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर होगा। टी के सेकंड क्या है, टाइम है, तो इसकी पावर -2 है, तो यहाँ पर भी इसकी पावर -2 लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसका जो वैसे फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला। तो देखिए, केस फर्स्ट, वर्क फॉर्मूला, दो केस बना रहा हूं इसका मैं, ठीक है भैया। केस फर्स्ट है कि भैया आपने क्या किया, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ठीक है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, और फ्रिक्शन यहां पर क्या है भैया, जीरो है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा पीछे की तरफ कोई भी, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की वजह से बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस होकर के कहां से आ गई, ए से कहां पे आ गई, बी पर आ गई, कहां आ गई, बी पर आ गई। तो जो वर्क किया कितना किया, अप्लाइड फोर्स कितना है भैया, एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस, ये आ गया वर्क का फॉर्मूला। दूसरा केस क्या होता है, केस टू, समझ गया, केस टू, मान लीजिए आपने बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया है ना, अब इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रखा है, ये हॉरिजॉन्टल जो है ना, आपने बॉडी के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाया और इसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या बना रखा, थीटा एंगल बना रखा है ना, तो इस फोर्स का यहां पर कंपोनेंट कौन सा आएगा, देख लो, जिसको जिसने थर्ड, अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो अगर देख सुन, तुझे और तू, हो सकता है जिसको नहीं पता, ध्यान दीजिए, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ है, क्या है, एफ है, ये हाइपोटेनियस है, क्या है, अगर तुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनियस साइन थीटा, क्या होता है, हाइपोटेनियस, और बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस कॉस थीटा। अब ये कैसे आ गया, कुछ नहीं है भैया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा, और कॉस क्या होता है, रिकॉर्ड हो रही ना, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपर, तो बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो ये है, हमें बेस का काम है, यहां पर क्या है भैया, तो हम सारी चीजों को हटा रहे हैं, समझ गया, सब चीजें मिटो दी मैंने, मुझे बेस का काम है, तो ये क्या होगा भैया, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, हाइपोटेनियस क्या है, यहां पर एफ है, कॉस थीटा, यानी इस डायरेक्शन में इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है, एफ कॉस थीटा है, क्या है, पर ऊपर की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी ए से कहां पर आके चली गई, एस डिस्प्लेसमेंट करके कहां चली गई, बी पर, कहां चली गई, बी पर। तो वर्क कितना किया, वर्क अप्लाइड फोर्स क्या है भैया, इस वक्त एफ कॉस थीटा, अप्लाइड फोर्स इस वक्त क्या भी है, वैसे अप्लाइड फोर्स ये है आपका जिसकी वैल्यू एफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से हो रहा है आप उसी को लोगे, तो इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसके कंपोनेंट की वजह से हो रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, एफ कॉस थीटा। तो भैया क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप कहीं पर भी लगा सकते हो, एफ एस कॉस थीटा, यहां पर थीटा क्या है, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन एफ एंड एस, डिस्प्लेसमेंट और एस के बीच का, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, उनके बीच का एंगल ये रहा, समझ गए, एंड एस, ठीक है भैया। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा, हमारा जो फॉर्मूला आया, और सॉरी, वर्क का एफ एस कॉस थीटा, अगर आपको याद होगा, चलो इतना ही रहने देते, बाकी जिसने अभी वेक्टर पूरा स्टार्ट किया अभी जस्ट, तो उसको पता नहीं लगे, यहाँ पर कॉस आया है, तो इसलिए जब कॉस को हटाता है तो उसको लिखते हैं एफ डॉट एस, क्या लिखते हैं, एफ डॉट एक्स, क्योंकि आपको पता है भैया वर्क स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट जो आता है, अगर स्केलर होता है, तो हम क्या लगाते हैं भैया,
कॉस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट वेक्टर आता तो यहां पर क्या लगाते हैं, साइन। दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट अगर वेक्टर है तो साइन, अन्यथा कॉस। खैर अभी आपको आवश्यकता नहीं, जिसको नहीं पता ये जानते तो वैसे आपको याद होगा ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, याद आपको, ए बी कॉस थीटा था। इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया एफ डॉट एक्स कॉस थीटा को एफ डॉट एक्स लिख गया, एफ एस कॉस थीटा को क्या लिखा, ए बी कॉस थीटा को क्या लिखता हूँ, ए डॉट बी, तो एफ एस कॉस थीटा को लिखूंगा एफ डॉट एस, ये लिखता हूँ। देखिए भैया हो गया, समझ गया, अभी रुक जा लिख लियो अभी। टाइप ऑफ बर्डन देखिए भैया, वर्क के प्रकार, टाइप ऑफ बर्डन, टाइप ऑफ वर्क, वर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला आ रहा है वर्क पॉजिटिव वर्क, क्या आ रहा है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होता है, देखिए हमें पता फॉर्मूला तीनों, वर्क क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, हमने पढ़ा, अगर ये नेगेटिव कब आता है, तो ये देखिए एक्चुअल में एफ क्या है, एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड हमें पता भी है, एज वी नो, एज वी नो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है भैया पॉजिटिव होता है, तो यानी ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव वर्क आ रहा है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, ये क्या रहेंगे हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों हमें एफ और एस हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, यानी वर्क मैंने आपको बताया टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो वर्क में टाइप में पहला क्या लिया पॉजिटिव लिया, दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा, तीसरा जीरो भी होगा, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह इन दोनों ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, और अगर ये वर्क पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं समझे, मैंने कहा एफ एस तो हर केस में ही पॉजिटिव रहेंगे, चाहे मैं नेगेटिव वर्क लू चाहे मैं जीरो वर्क लू चाहे मैं पॉजिटिव वर्क लू, एफ एस हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, इसका मतलब जो वर्क डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वो किस पे डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सो नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द डिपेंड्स अपॉन द क्या होगा कॉस थीटा, किस पे डिपेंड कर रहा है वर्क कॉस थीटा पे, तो अगर मैं कह रहा हूं भाई प्लीज सो इफ वर्क इज पॉजिटिव देन कॉस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा का भी पॉजिटिव रहना क्या है जरूरी है, अभी आपने वर्क बड़ा आसान पढ़ा होगा जब पढ़ा होगा टेन में वर्क क्या होता है बस इतने पढ़ा होगा, अब देखिए क्या होता है वर्क में, अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क में पॉजिटिव होने की वजह एफ और एस नहीं होंगे, क्या होगा कॉस थीटा होगा, अगर वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो थीटा जो होता है लेस देन ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, थीटा की लिमिट ये होनी चाहिए, अगर थीटा इस रेंज में लाई कर रहा है कॉस जीरो क्या होता है वन, बराबर बराबर भी लगाना है, ठीक है बराबर भी लगाना है, थीटा जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए लेकिन नब्बे से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, कॉस 90 जीरो होता है, जीरो वर्क की अलग कैटेगरी है, ठीक है, तो मैंने बोला भैया वर्क अगर आपका पॉजिटिव आ रहा तो उस केस में जो कॉस के साथ थीटा लगाया, थीटा क्या है भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो एंगल क्या होना चाहिए भैया 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम मतलब 89 और 0 डिग्री के आसपास जब भी एंगल रहेगा आपका वर्क क्या आएगा भैया पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां तक होना चाहिए ना 90, 90 से कम होना चाहिए एंगल, मैंने थीटा बना दिया, थीटा जो है उसकी रेंज क्या है भैया जीरो से ज्यादा जीरो के बराबर या जीरो से कम, इन सब केस में आपका वर्क क्या आने वाला भैया, वर्क क्या आने वाला भैया पॉजिटिव आने वाला, क्योंकि इन सब रेंज में कॉस क्या होगा पॉजिटिव आएगा, कॉस जहां पॉजिटिव वहां पर वर्क भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, समझ गया भैया, अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल समझ गया भैया, तो पॉजिटिव वर्क किस पर डिपेंड करता है कॉस थीटा पर, थीटा यानी एफ और एस, एफ का कंपोनेंट यहां पर क्या होगा एफ कॉस थीटा पैरेलल रहेगा एस के, अब एफ का अगर कंपोनेंट देखेंगे तो इधर क्या आएगा एफ कॉस थीटा जो कि एस के क्या है पैरेलल,
तो हम कह सकते हैं वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब एफ कॉस थीटा पैरेलल टू एस, जब फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है भैया पैरेलल होगा, तो हम कह सकते हैं उस केस में आपका वर्क क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा समझ गया भैया, इसी कंडीशन में पैरेलल हो सकता है ना। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, अभी एक ही चीज में पॉजिटिव वर्क भी होगा नेगेटिव वर्क भी होगा, मैं अभी पहले पॉजिटिव वर्क की ही बात कर रहा हूँ, इसको मतलब नेगेटिव वाले को भूल जाओ, केवल पॉजिटिव वाले को ध्यान रखना। तो पहला केस कह रहे हैं भैया, अगर आप बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचते हो, ये बाल्टी आपकी, इसको आप अप्लाइड फोर्स लगा करके ऊपर की तरफ खींचो, ये एफ आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बॉडी ये जो बाल्टी हो रही है ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल दोनों के बीच में क्या होगा एफ पैरेलल टू एस, यानी क्या होगा थीटा क्या होगा भैया जीरो, और थीटा जीरो होता तो वर्क भी क्या आएगा भैया जीरो आएगा, क्योंकि कॉस थीटा जीरो मतलब वन। ठीक है भैया, वर्क यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, यानी अगर बाल्टी आप ऊपर खींच रहे हो, वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स जो वर्क कर रहा है इस वक्त वो क्या कर रहा है भैया पॉजिटिव कर रहा है, समझ गया भैया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के डायरेक्शन के ऐसे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, पॉजिटिव है, ठीक है भैया। दूसरा देखिए, आप जब स्प्रिंग को खींच रहे थे तो फोर्स कहां लगा रहे थे, बाहर की तरफ, और ये स्प्रिंग भी कहां खींच रही थी, बाहर की तरफ, फोर्स की और स्प्रिंग के खींचने की डायरेक्शन क्या है भैया सेम है, हियर एफ अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू एस, थीटा यहां पर भी क्या है भैया जीरो है, तो वर्क यहां पर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, समझ गए। तो ऐसे हर जगह पर जहां पर आपने क्या किया भैया फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उन हर केस में वर्क क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, समझ गया। एक और एग्जांपल बता दीजिए जहां पर वर्क पॉजिटिव हो रहा है, आपको याद है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कराई थी मैंने, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में ये कार्ट थी, ये था हॉर्स, हॉर्स इस बार तगड़ा नहीं बना रहा मैं, समझ जाओ ये रहा हॉर्स, क्या ही बन गया, ठीक है ये रहा हॉर्स, तो ये अपने पैर को कुछ ऐसे कर रहा था, चला था याद आपको, तो इधर क्या था फोर्स, इधर क्या था उसका रिएक्शन, ये क्या था कंपोनेंट था, तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, क्या आया था एफ कॉस थीटा, इधर ही क्या हो रहा है भैया कार्ट भी डिस्प्लेस हो रहा है फोर्स भी, एफ कॉस यहाँ पर देखिए एफ कॉस थीटा पैरेलल टू एस, थीटा क्या है भैया जीरो, तो यहाँ पर फर्क क्या आएगा, समझ गए भैया समझ गए, ये रहा। अब आ रहा भैया नेगेटिव वर्क, क्या आ रहा है नेगेटिव वर्क, ठीक है नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होगा वीनो, ठीक है ध्यान दीजिए, वर्क क्या होता है भैया फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, आपको पता है ये दोनों पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, एफ एस और एस, कौन नेगेटिव हो इस बारी, इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू में नेगेटिव देन कॉस थीटा शुड बी नेगेटिव, कॉस थीटा को क्या होना चाहिए भैया नेगेटिव होना चाहिए, और कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है जब थीटा वैन थीटा जो होता है वो 90 से ज्यादा हो, 180 के बराबर या उससे छोटा हो, ठीक है इस रेंज का थीटा कॉस में जब भी डालोगे तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, वर्क क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, समझ गए भैया, इसे कहते हैं ऑप्टियूज एंगल, क्या कहते हैं ऑप्टियूज एंगल, और उसको कहते थे एक्यूट एंगल, क्या लिखा थीटा की रेंज का डाली मैंने, ठीक है भैया, देखिए समझ गए भैया, अब इनर केस में आपका क्या होना चाहिए, यानी सो एफ कॉस थीटा एंटी पैरेलल टू क्या होना चाहिए पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट,
अब समझो जरा इसको बताता हूँ। चलो इसको एंटी पैरेलल वाला सीन से पार्टा देखिए, इसको भी हटा दो, एंटी पैरेलल मत लिखो। इस केस में क्या होगा भैया, आपका फोर्स ये रहा और सॉरी डिस्प्लेसमेंट ये रहा और फोर्स ये लग रहा, थीटा ये रहा, ये एफ है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा और एफ साइन थीटा से मुझे मतलब नहीं है, नहीं समझे। अगर फोर्स आपका ऐसा लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो जो कंपोनेंट रहेगा हमेशा क्या होगा, इधर इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, समझ गया। तो ये इधर एफ कॉस थीटा आता तो वो क्या होता, एस और एफ कॉस थीटा दोनों क्या होते, सेम डायरेक्शन में होते, वर्क क्या होता, एंगल क्या होता, जीरो आता और वर्क क्या होता, पॉजिटिव होता। लेकिन इस बार ये एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है भैया, इसीलिए ये कंपोनेंट क्या होता है, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, समझ गया। तो ये क्या हो गया भैया, एफ कॉस थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे क्या है यार, एफ कॉस थीटा एंड इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल टू एस। यानी अगर एफ कॉस थीटा फोर्स का कंपोनेंट अगर डिस्प्लेसमेंट के क्या है, एंटी पैरेलल है, इसे कहते हैं फोर्स का कंपोनेंट। ये क्या है, फोर्स का कंपोनेंट। अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के क्या है भैया, एंटी पैरेलल है, तो उन हर केस में क्या होगा, वर्क क्या आएगा भैया, नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, वर्क नेगेटिव आना चाहिए, समझ गया। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ जाएंगे आपको। जब आप बाल्टी को खींच रहे थे, चलो स्प्रिंग को खींच रहे थे पहले, जब आप स्प्रिंग को खींच रहे थे तो ये क्या था, अप्लाइड फोर्स, और इसी डायरेक्शन में और था डिस्प्लेसमेंट, इसने वर्क किया था पॉजिटिव, याद है बेटा, इसके द्वारा किया गया वर्डन क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन आपको पता है जब आप बाहर की तरफ इसको खींच रहे थे, जब इसको बाहर की तरफ खींच रहे थे, तभी स्प्रिंग भी अंदर की तरफ खुद को खींच रही थी, स्प्रिंग फोर्स क्या कर रही थी, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, देखिए जब आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे, अप्लाइड फोर्स वर्क पॉजिटिव कर रहा था क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, उसी वक्त अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग भी अपने आप को अंदर की तरफ खींच रही थी, किस फोर्स से, स्प्रिंग फोर्स से। तो ये जो देख रही है यहां पर एफ एस क्या है, एंटी पैरेलल टू, एंटी पैरेलल टू एस है, एंटी पैरेलल टू, और एंटी पैरेलल केस में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, कॉस 180 क्या होता है, नेगेटिव, यानी वर्क भी क्या आएगा, तो थीटा इक्वल्स में क्या है भैया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में वर्क क्या होता है भैया, नेगेटिव आता है, यानी वर्क डन बाय, स्प्रिंग फोर्स, ड्यूरिंग एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे थे उस वक्त स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स तो वर्क पॉजिटिव कर रहा था, ये अभी भी पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन ये जो कर रहा है वो वर्क क्या है भैया, नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, जब आप एक्सटेंड कर रहे थे स्प्रिंग को तो अप्लाइड फोर्स वर्क क्या कर रहा था, पॉजिटिव, लेकिन उसी वक्त स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा था, नेगेटिव, समझ गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप बकेट को उठा रहे थे, बाल्टी को ऊपर की तरफ फोर्स लगा के, डिस्प्लेसमेंट भी कहा रहा था ऊपर, तो ये वर्क क्या कर रहा था, पॉजिटिव, लेकिन ग्रेविटी वहीं पे क्या लग रही थी, नीचे, ग्रेविटी यहां पर, यहां पे क्या है, ग्रेविटी जो होती है फोर्स होती है, ग्रेविटी एंटी पैरेलल टू, एस। सो थीटा क्या होगा भैया, 180 डिग्री, और वर्क क्या आएगा भैया, नेगेटिव, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। जब आप बाल्टी को क्या कर रहे होगे, लिफ्ट कर रहे होगे, समझ गए। लास्ट एग्जांपल देखिए इसका, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जब आप चलते हो भैया, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे चल ही रहा है, ये भैया, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो हियर फ्रिक्शन फोर्स एंटी पैरेलल टू एस, सो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, 180 डिग्री,
एंड वर्क इक्वल्स में क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन बाय, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा भैया, नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए, ये नेगेटिव। अब आता है जीरो वर्क, क्या आता भैया, जीरो वर्क। जीरो वर्क, अब ये जीरो वर्क की तीन कंडीशन है। जीरो वर्क कब कब हो सकता है, तो भैया वी नो वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। इफ एफ जीरो तो वर्क जीरो, फोर्स भी जीरो रहेगा फिर भी वर्क जीरो रहेगा। अच्छा फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क जीरो, बताओ कहां पे होगा। फोर्स नहीं लग रहा फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्पेस में, स्पेस में कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं तो मतलब फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो वर्क नहीं, ठीक है भैया। स्पेस में अ बॉडी मूव्स, अ बॉडी बॉडी मूव्स इन अ स्पेस विद विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पेस में चली आ रही है तो उसके ऊपर भी कोई वर्क नहीं हो रहा, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वर्क जीरो होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स में जीरो तो वर्क क्या होगा, जीरो। इसका एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल बताओ भैया, फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क जीरो है। दीवार पे कोई हैवी पत्थर पे, ठीक है, पुलिंग और पुशिंग द माउंटेन, इन दोनों केस में वर्क फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा, एंड इफ कॉस थीटा इक्वल्स में क्या हो जाए भैया, 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, कॉस थीटा क्या हो जाए भैया, जीरो हो जाए। कॉस थीटा जीरो का मतलब कॉस क्या हो जाए भैया, 90, कॉस जीरो का 90 इसका, तो थीटा क्या हो जाए भैया, 90। यानी फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो लेकिन एक दूसरे क्या हो भैया, परपेंडिकुलर हो। फोर्स भी हो डिस्प्लेसमेंट भी हो लेकिन वो एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, वहां पर वर्क आपका क्या होगा, जीरो आएगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, चुप रहे साले, चुप, थोड़ी रुक जाओ। सर्कुलर मोशन हो रही है, क्या हो रही है, सर्कुलर ओए सर्कुलर मोशन हो रही है, तो अपने को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, क्या होता है, ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल, और ये क्या है, रेडियल, ये क्या है, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होती है, हेयर एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क क्या आएगा भैया, जीरो। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वर्डन क्या आता है भैया, जीरो। सर्कुलर मोशन में कोई भी वर्डन क्या आएगा, जीरो। यानी यहाँ पर कुछ और भी कंसेप्ट आपके निकलने वाले हैं, सर्कुलर मोशन में अगर वर्डन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होता सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में, आइडियल सर्कुलर मोशन में, आइडियल सर्कुलर मोशन स्पेस में होती है, वहां पर एक बार घुमा दोगे ना तो वहां पर कोई वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, पावर हमेशा क्या रहेगी, कंज्यूम रहेगी, पावर का लॉस भी नहीं होगा, समझ गए भैया। आगे पढ़ोगे अभी इसके बारे में। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी वर्डन करता है वो क्या होता है भैया, जीरो, समझ गया। दूसरा एग्जांपल, वर्क डन बाय कुली, कुली जो होता है वो लगेज को ऐसे उठाता है अपने सर पे,
डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा और फोर्स कहां लगा रहे हैं ऊपर, तो एफ एफ परपेंडिकुलर टू एस, सो कॉस थीटा 90 बराबर में क्या होगा, जीरो। वर्क भी क्या होगा भैया, जीरो। तो वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली जीरो। ठीक है भैया, एक एग्जांपल और दो कोई बताए। थर्ड पेंडुलम देखा, पेंडुलम पेंडुलम मेरा क्या हुआ? ये टेंशन है, और ये पेंडुलम क्या होगा, इधर डिस्प्लेस करता है ना, ऐसा ऑसिलेट करता है, ऐसा ऐसा करता है ना ऑसिलेट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसी होती है ऐसे करके। ठीक है, टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, टेंशन इज द फोर्स। टेंशन क्या होता है भैया, फोर्स होता है, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स इन ऑसिलेशनल मोशन क्या भैया, तो आई थिंक आप लोग क्लियर होगा, इतना ही पढ़ाया था सुबह वाले बैच में, समझ में आ गया, कॉपी कर लो चलो।